कश्मीर से आतंकियों का सफाया लगातार हो रहा है। पिछले 48 घंटे में 10 आतंकी ढेर हुए हैं और आज 3 आतंकी और मारे गए हैं, जबकि एक पुलिस का जवान भी शहीद हुआ है। आतंकियों ने श्रीनगर के पंथा चौक में पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त नाके पर हमला किया था। मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 आतंकियों ने एकदम से फायरिंग करनी शुरू कर दी और मौके से भाग गए। हमले के बाद इलाके में अतिरिक्त जवानों ने पूरे इलाके को घेर लिया। सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया और आखिर में 3 आतंकियों को मार गिराया, लेकिन जो हमला हुआ था उसमें हमारे एक पुलिस के जवान शहीद हो गए हैं। और आपको बता दें कि इससे पहले 48 घंटे में 10 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है अलग अलग ऑपरेशन में। शुक्रवार को शोपियान जिले के किलोरा इलाके में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के द्वारा 2020 में अब तक 150 से ज्यादा आतंकियों को मौत के घाट उतारा गया है और पिछले 3 दिन में तो 10 आतंकी ढेर किए जा चुके हैं। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद देखिए कश्मीर में शहीद हुए जवान को कैसे दी गई अंतिम विदाई।